Assalamualaikum दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2। दोस्तों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आईपीएस पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है नेटवर्किंग, जिसमें हम जानेंगे कि नेटवर्क होता क्या है, ये बनाया क्यों जाता है और जब एक नेटवर्क बन जाता है तो लोग उससे क्या-क्या फायदे हासिल करते हैं, इसको हम नेटवर्किंग कांसेप्ट और यूजेस ऑफ नेटवर्क के टॉपिक्स में देखेंगे। फिर हम नेटवर्क की एग्जाम यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को देखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर्स के लिहाज से भी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी इनकी मालूमात का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स यानी एक नेटवर्क को बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर हम राउटर, ब्रिज, गेटवे और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लैन के प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स यानी किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, तो हम उन्हीं रूल्स को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इंटरनेट टोकन रिंग, एआरसी नेट, टीसीपीआईपी, आईएसडीएन और डीएसएल के प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। दोस्तों अब नेटवर्क की पहली टाइप लैन कंप्लीट हो गई है। फिर हम उसकी नेक्स्ट टाइप यानी वैन को डिस्कस करेंगे। वैन के मायने हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके डिटेल्स के साथ साथ हम लैन और वैन के अंदर आने वाले फर्क का भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों लैन वैन के बाद जो तीसरी टाइप है वैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक नेटवर्क की टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क मॉडल्स, जिनमें हम क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल और हाइब्रिड मॉडल को डिटेल से देखेंगे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स मीन्स एक नेटवर्क को बनाने के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी साथ तैयार की जाती है। तो दोस्तों उस नेटवर्क का स्टैंडर्ड कहा जाता है, जिसके अंदर हम डी फैक्टो और डी जोर के स्टैंडर्ड्स को देखेंगे। दोस्तों इसके बाद एक और सबसे अहम टॉपिक है, जो कि ना सिर्फ आपको इस बुक में पढ़ाया जाएगा, बल्कि जब आप यहाँ से आगे जाने के बाद यानी हायर स्टडीज की तरफ जाएंगे और नेटवर्किंग के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़ना होगा। इसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसके अंदर हम बस, ट्री, स्टार, मैश, रिंग और हाइब्रिड टोपोलॉजीज को डिटेल में पढ़ेंगे और ना सिर्फ इनकी वर्किंग पढ़ेंगे बल्कि इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये भी डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद जो नेटवर्किंग का आखिरी टॉपिक है यानी ओएसआई मॉडल और इसकी लेयर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 1 यानी पहला हिस्सा नेटवर्किंग खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा हिस्सा इंटरनेट, जिसमें हम इंटरनेट को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है तो हमें इसके बारे में मालूमात का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, इसका आगाज कैसे हुआ, जिसको हम बर्थ ऑफ इंटरनेट के टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद हम इंटरनेट के यूजेस देखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम डाउनलोडिंग सीखेंगे, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट के डिफरेंसेस देखेंगे, इसके अलावा चैट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैट्स, जैसे कि व्हाट्सएप, मैसेंजर किस तरीके से की जाती हैं, टाइप्स क्या होती हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किस तरीके के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे अहम टॉपिक्स ईमेल, उसके बेनिफिट्स और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और इन तमाम टॉपिक्स के अंदर हम ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंटरनेट के यूजेस के साथ साथ इंटरनेट के एब्यूजेस, इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान हमें फेस करने पड़ सकते हैं, उनकी भी डिटेल पढ़ेंगे। दोस्तों ये तो थे तमाम टॉपिक्स जो कि हम आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब हम डिफरेंसेस देखते हैं जो कि आपकी बुक में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की बुक के अंदर मौजूद हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ एक बुक यानी किसी एक बुक को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली तमाम इंटर कंप्यूटर साइंस की पार्ट 1 की बुक्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं,
इसकी वजह से टॉपिक्स के कंटेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि किसी बुक में पहले ईमेल के बेनिफिट्स बता दिए, के बाद नेटवर्क के टॉपिक को बता दिया, तो कंटेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम तमाम टॉपिक्स को आपकी बुक के अंदर मौजूद तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई टॉपिक आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 में नहीं है, लेकिन हमने वो आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा दिया है, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक आपके अगले चैप्टर के अंदर मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल, लैंड प्रोटोकॉल और ओआईसी मॉडल का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 में है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर मौजूद है। तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ भी लिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके अगले चैप्टर्स के अंदर मौजूद होगा। बिल्कुल ऐसे ही वर्ल्ड वाइड वेब और अब्यूसेस ऑफ इंटरनेट का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो कि आपकी बुक में और दूसरी बुक्स के अंदर मौजूद थे। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक नया टॉपिक, यानी चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक, नेटवर्क और उसके यूजेस।